मैं इसके देवाश्री मौर्य। हमारी ज़िंदगी में पिता वो महान शख्स है जो हमारे सपने पूरे करने के लिए अपने सपनों की धरती को बंजर छोड़ देते हैं। पिता अर्थात छायादर वह बड़ा वृक्ष जिसमें बचपन की गौरैया बनाती है घोंसला। पिता अर्थात वह अंगुली जिसे पकड़कर अपने पाँव पर खड़ा होना सीखता है घुटनों के बल चलने वाला। पिता अर्थात वह कांधा जिस पर बैठकर शहर की गलियों से दोस्ती करता है नन्ना मुसाफिर। पिता अर्थात एक जोड़ी वह आँख जिसकी पलकों में अंकुरते हैं बेटे को हर तरह से बड़ा करने के हजारों सपने। पिता अर्थात वह पीठ जो बेटे को घुड़सवारी करवाने के लिए तैयार रहती है हर दम। पिता अर्थात वह लाठी जो छोटे पौधे को सीधा करने के लिए खड़ी और गड़ी रहती है साथ साथ। पिता अर्थात हाड़ मास की वह काया जिसमें पलता है बच्चों का दुलार संस्कार। पिता अर्थात वह ईश्वर जिसका अनुवाद होता है आदमी की शक्ल में। वेद की वह पवित्र किताब है पिता जिसमें लिखी है पुरखों की परिचय की वो ऋतु है जिसे पढ़कर जाना जा सकता है मनुष्य का जन्म, जिसकी आंखों में जाकर देखा जा सकता है आदम का रूप, जो अपनी संतान के लिए ढोता है पीड़ाओं का पहाड़, दर्द का हिमालय लेकर दौड़ता है रात दिन लेकिन उब तक नहीं करता, अपनी नींद गिरवी रखकर संतान के लिए घर लाता है चुटकी भर चैन, कभी राम के वियोग में दशरथ बनकर तड़प तड़प कर त्याग देता है प्राण, तो कभी अभिमन्यु की विरह में अर्जुन बनकर सहार कर देता है कौरवों की सेना का, तो कभी पुत्र मोह में हो जाता है धृतराष्ट्र की तरह नेत्रहीन। पिता वह रक्त जो दौड़ता रहता है संतान की दमनियों में, जो चमकता है संतान के गालों पर और दमकता है उसके माथे पर। पिता साथ चलता है तो साथ देते हैं तीनों लोग 14 भुवन। पिता सिर पर हाथ रखता है तो चोटें लगते हैं देवी देवताओं के हाथ। पिता हंसता है तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं अमंत और बसंत। पिता जब मार्ग दिखाता है तो चारों दिशाएं छोड़ देती है रास्ता। आसमान आ जाता है भाव के करीब और धरती से मटाती है कदमों के आसपास। पिता जब नाराज होता है तो आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक कड़क जाती है बिजली, हिलने लगती है जिंदगी की बुनियाद। पिता जब टूटता है तो टूट जाती है जाने कितनी उम्मीदें। पिता जब हारता है तो पराजित होने लगती है खुशियाँ। जब उठता है सिर से पिता का साया तो घर पर एक साथ टूट पड़ते हैं कई कई पहाड़। पिता के सांस के जाते ही हो जाती है कई सपनों की अकाल मौत। पिता की लाठी कठोर होती है किंतु हमें गिरने नहीं देती, संभालना उसे उम्र के पड़ाव में, क्योंकि टूटी लाठी सहारा नहीं देती। अपने पिता की बात सुनो, उनको समय जरूर दो, क्योंकि उन्होंने आपकी बातें तब भी सुनी थी जब आप बोलना भी नहीं जानते थे। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान अपना दुख किसी न किसी के साथ साझा कर ही लेता है, लेकिन एक बाप है जो अपना दुख किसी से साझा नहीं करता। उसकी भी कमर झुक जाती है बुढ़ापे में सारी जवानी जिम्मेदारियों का बोझ उठाकर, अपने लिए बुने हुए सपनों को खोकर खुशियों की इमारत खड़ी कर देता है सिर्फ आपके लिए। मानता हूँ दोनों समय का भोजन माँ बनाती है, तो जीवन भर भोजन की व्यवस्था करने वाले पिता को हम सहज में क्यों भूल जाते हैं। माँ बाप हमें सहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में उन्हें बादशाहों की तरह रखें। मैं इसके देवासी मोरे। जय हिंद, वंदे मातरम।